हाय, मैं हूँ अर्चना और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमेशा की तरह मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सभी तक बहुत ईजिली वे में मिल सके। तो चलिए देखते हैं न्यू रेसिपी को, और अगले न्यू रेसिपी के लिए बाय। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर को हीट करते हैं, उसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए, हम उसमें डालेंगे काजू के पीसेस को। इनको शैलो फ्राई कर लेंगे नाइस गोल्डन कलर में आने तक। ये अच्छे से शैलो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक कटोरी में निकाल के अलग करके रख देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और हरी मिर्च को डाल के थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज को हमको नाइस गोल्डन कलर आने तक सॉटे करना है मीडियम हीट पे ही। प्याज अच्छे से सुनहरे कलर में आ चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ आलू। आलू को 2 से 3 मिनट के लिए हम सॉटे कर लेंगे मीडियम हीट पे ही। अब मैं इसमें डालूंगी मीडियम साइज में कटे हुए फूलगोभी के पीसेस को, और सारी चीज़ों को फिर से चला लेती हूँ। ध्यान रखिए, हमको हीट को मीडियम पे ही रखना है। अब हम इसमें डालेंगे गाजर, कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, सारी चीज़ों को अच्छे से चला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, होममेड गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, सारी चीज़ों को फिर से चला लेते हैं। और हम सारे सब्जी और मसालों को 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम हीट पर सॉटे करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे धुली हुई बासमती राइस। मैंने 30 मिनट पहले ही धो के रख दिया था, जिससे कि हमारा पुलाव है काफ़ी खिला हुआ बने। बिरयानी या पुलाव बनाने का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक यही होता है कि आप जब भी बनाएं, चावल को 30 मिनट पहले धो के रख लें। मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे दही और घी, जिससे कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू और एक एक्स्ट्रा फ्लेवर आए। सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए फिर से सॉटे कर लेंगे मीडियम हीट पे ही। मसाले और चावल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, जितना आपने चावल लिया उसके अकॉर्डिंग। मैंने जितना चावल लिया उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 गिलास पानी का यूज किया है। अब हम इसको प्रेशर कुकर के लिड से कवर करके 1 सीटी आने तक हाई हीट पर कुक कर लेंगे। एक जब सीटी लग जाएगी तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं। इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए काजू के पीसेस को, जो मैंने पहले करके रखे थे। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, और सारी चीज़ों को जेंटली मिक्स कर लेते हैं। देखिए, काफ़ी खिला खिला पुलाव बन के रेडी हुआ है। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हो, हर एक दाना खिला हुआ है। तो लीजिए, हमारा वेज बिरयानी, वेज पुलाव प्रेशर कुकर में बन के रेडी है। आप इसको थोड़ा सा गार्निश करें फ्राई किए हुए कैशू नट के साथ, और सर्व करें दही के रायते के साथ। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपना जो वैल्यूबल कमेंट्स है वो कमेंट सेक्शन में देना।